टर्निंग पॉइंट टुडे? हसन अली का कैच ड्रॉप, बट लेकिन बहुत अच्छा खेला ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप बहुत अच्छी। क्या वर्ल्ड कप हम पहले मैच में जीत गए थे? बिल्कुल हाउ डिसअपॉइंटेड यू आर? दिल टूटा? पाकिस्तान जीत गया था, वो इंडिया से काफी नहीं था कि आज भी जीतता? ज्यादा मायूसी हुई या पाकिस्तान इंडिया से जीता हुआ काफी था? आज डिसअपॉइंटेड कपल और हैप्पी पाकिस्तान की कारदगी ओवरऑल ठीक रही? बच्चा हमारा रो रहा है। क्यों रो रहे हो भाई? इंडिया को तो हमने हराया यार, असल तो उसी पे जीत थी हमारी, उसी पे अब गुजारा करेंगे। मैं आपका इंट्रो करना, ठीक है? आप चलते जाओ, रोल पे डालो, रोल पे। और फाइनली पाकिस्तान का सफ़र इस वर्ल्ड कप में मुकम्मल हुआ और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद इस टूर्नामेंट की एक मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया ने बिलाखर पाकिस्तान को शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर किया। 5-0 से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था, लेकिन एक बैड डे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ये मैच हार गया। कुछ फैन शायकीन बड़े मायूस चेहरे जो कुछ देर पहले तक चहचहा रहे थे, नारे मार रहे थे, कैसे देखते हैं आज की परफॉर्मेंस को? ज़्यादा मायूस हैं? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान प्लेड वेल, बट ये पाकिस्तान को पहले सोचना चाहिए था। दे हैड टाइम टू चेंज देयर कॉम्बिनेशन। हसन अली ऑलरेडी पिछले 5 मैचेस में दिख रहा था कि एक वीक लिंक था। आज के दिन सिर्फ हसन अली जिम्मेदार है या कुछ ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा अच्छा खेले? आई थिंक खाली एक बंदा तो जिम्मेदार नहीं होता है, नेचुरली कोई अच्छा खेलता है। कुछ एंड ओवर्स में हमें भी ज़्यादा रन बना लेने चाहिए थे, बट आई बिलीव कि हम थोड़े से टीम में चेंजेस कर सकते थे जो पिछले दिनों में मतलब पिछले मैचेस में हमने देखा था। वी शुड हैव चेंज द टीम। कुछ और शायकीन भी मेरे साथ मौजूद है, कितने मायूस हैं आज की शिकस्त के बाद? बहुत ज़्यादा मायूस हैं, काफ़ी मायूस। अभी अमेरिका वापस जाने वाले हैं हम लोग। आप अमेरिका से आए थे इस मैच के लिए? हम लोग बहुत दूर से आए हैं इस मैच के लिए, हमने काफ़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं। इन्होंने हम लोग सबके दिल तोड़ दिए, बट इट्स ऑल फाइन। दिल टूटे हैं काफी आज, क्योंकि बेकार आदमी है दुनिया का, इसने खुद भी ऐसे किया, मैच को बेड़ा गर्क कर दिया, खुद भी ने अच्छा ओवर किया, उसने खुद भी अच्छे ओवर नहीं किए, एंड पे कैच छोड़ा, वो मैच ही अच्छे ओवर नहीं किए, कैच छोड़ा। कुछ और फैंस हैं, कुछ और फैंस उनसे बात करते हैं। व्हाट्स योर फीलिंग टुडे? इट वाज अ हार्ड फॉट मैच एंड एट द एंड जस्ट कुडंट पुल इट थ्रू, बट यू गॉट अ यंग टीम एंड देयर इज अ लॉट ऑफ होप इन द फ्यूचर। अ लॉट ऑफ होप इन द फ्यूचर, बिल्कुल हमारी यंग टीम बहुत अच्छा खेली। कुछ और मायूस है? लेकिन ज्यादा मायूस है आज की शिकस्त से या इट्स ओके? वेरी वेरी मायूस, बहुत मायूस हैं, बात नहीं करना चाहते, लेकिन आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल रो रहा है, बड़ा बॉयज प्लेड वेल, दे हैड अ गुड टूर्नामेंट। कब जीतेगा भाई आप? तो बारी जीतेगा। आप क्या कहती हैं आज के मैच पे? कुछ यकीन ज़्यादा मायूस हैं यकीनन, हम खुद इतना अच्छा टूर्नामेंट जा रहा था और एंड पे आकर इस तरह की फिनिश ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन एक एज अ क्रिकेट फैन और एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक अच्छे कैंपेन पाकिस्तान की बलाकर जो है वो अंजाम को पहुंची और अब फाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जी पॉइंट था जी, खेल में ऐसा होता रहता है, बिल्कुल लग रहा था कि पाकिस्तान जो है मैच जो है निकालने का, लेकिन उनके आखिरी जो पार्टनरशिप हुई है 6 विकेट की वो बहुत ही उमदा हुई है, और उन्होंने बड़े अच्छे मौके पे बड़ा तेज रन करके एक ओवर पहले जो मैच किया, तो पाकिस्तान फिर आज हिस्ट्री बदल सकता था, लेकिन आज की शिकस्त की वजह से ये लगा है कि पाकिस्तान ही है। क्या था वो पकड़ लेता तो अच्छा होता, लेकिन ये इट्स अ गेम, वी प्लेड ऑल द गेम्स गुड, सो वी आर नॉट दैट मच डिससैटिस्फाई, यू नो आवर टीम डिड वेरी गुड, इट्स अ गेम, ऑस्ट्रेलिया प्लेड वेल। वर्ल्ड कप तो पहले मैच में हम जीत गए थे ना, सैड फेसेस, सैड बट आवर बॉयज प्लेड वेल। नेक्स्ट ओदरी खड़ी, यू लुक सैड। उसने छो मारने के अलावा
इस वर्ल्ड कप में कोई काम नहीं किया एंड एवरीवन न्यू कि इसको ड्रॉप करवाना था विनिंग कॉम्बो लाइक जी बिल्कुल पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और देख सकते हैं कि शायकीन क्रिकेट काफ़ी मायूस रवाना हो रहे हैं और आखिरी लम्हात पे पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई है। टर्निंग पॉइंट हसन अली का जो कैच छोड़ना था उसके बाद एकदम पासा पलटा और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। शायकीन मौजूद हैं, से पूछेंगे टर्निंग पॉइंट क्या था, हसन अली ने जिस तरह कैच छोड़ा क्या कहेंगे आप? आई थिंक हसन अली का कैच छोड़ना वो टर्निंग पॉइंट था, उसी ने बाद में 3 छक्के मार दिए 3 बॉल्स पर। अगर वो काफ़ी मायूस लग रहे हैं आप? ओबियसली बड़ा आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड होता अगर हरा देता पाकिस्तान किसी नॉकआउट मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल शायकीन काफ़ी मायूस लग रहे हैं और भी यहाँ लोगों से बात करेंगे। इंडियन शेड्स हाँ जी हाँ जी हाँ जी, किसको सपोर्ट कर रहे थे आज आप? पाकिस्तान भाई और कौन, और पाकिस्तान को आज शिकस्त हो गई है और मायूस आप भी हैं? हाँ जी नहीं, वी आर लिटिल सैड ऑफ कोर्स, पाकिस्तान डिडंट मेक इट, वी वुड लव फॉर पाकिस्तान गो ऑन विद द वर्ल्ड कप, दे प्ले द बेस्ट क्रिकेट थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सर देख रहे हैं कि आपको कि पाकिस्तानी जो शायकीन है वो मायूसी से लौट रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, सर क्या कहेंगे आप इस आज के मैच के बारे से? कुछ कहना बाकी रह गया है मतलब? नहीं क्या हसन अली की कैच छोड़ने के बाद ही मैच हम हाथ से निकल गया? नहीं यार हो जाता है कोई बात नहीं। आप क्या कहेंगे? क्या कहूँगी, अफसोस है, क्या कह सकते हैं। देख सकते हैं कि शायकीन काफ़ी मायूस है और यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो निकल रहे हैं और काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टीम ने जो पहले 5 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन अब जो फाइनल होगा वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा। जी लाइट चलाना यार हूं भाई। कहां से आप लोग? समा से और डॉन से। अच्छा, क्या कहेंगे आप मैच देखने के लिए आए? डिसअपॉइंटमेंट तो है तमाम यहां पे शायकीन भी डिसअपॉइंट। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं समझती हूं कि बहुत ही कमाल ब्रिलियंट क्रिकेट खेला पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बहुत अरसे बाद ऐसी क्रिकेट देखने को मिली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से। एक एक खिलाड़ी को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कौम को भी कि हमें तमाम खिलाड़ियों को, पूरी क्रिकेट टीम को ओपन आर्म्स और ओपन हार्ट के साथ इनको वेलकम करना चाहिए। यही जज्बा होना चाहिए जो थ्रू आउट टूर्नामेंट में था। सेमीफाइनल तक अनबीटन, आई मीन दिस इज़ रिमार्केबल। और एक दफ़ा फिर पूरी कौम को भी मुबारकबाद देती हूँ और अफसोस की बात, फाइनल ऑफकोर्स एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि हम जाते फाइनल में, लेकिन मैं समझती हूँ कि कमाल क्रिकेट खेली है पाकिस्तान टीम। जिस तरह पीटीआई गवर्नमेंट को मशवरे देती हैं, इस तरह हसन अली को क्या मशवरा देंगे? थोड़ा सा बेहतर खेल लेते तो मेरे ख्याल में, लेकिन मैं जैसे पहले कहा कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगी, बेस्ट परफॉर्मेंस किया क्रिकेट टीम ने। अच्छा आप आई हैं, दुख तो होता है हर पाकिस्तानी को होता है, आपको कितना हुआ? दुख मुझे जाहिर है फाइनल में जीत जाने का मुझे उम्मीद थी, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इतना कमाल क्रिकेट खेली है पूरे टूर्नामेंट में कि मुझे इस हार का इतना दुख नहीं हुआ। आप लास्ट क्वेश्चन है, आप जो है वो सेमीफाइनल देखने आ गई हैं, इमरान खान ने कहा था मैं फाइनल देखने आऊंगा, नून लीग पहले रहती है पीटीआई से हमेशा एक कदम पहले। मेरे ख्याल में खेल से पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए तो, और मैं इसी बात पर इसको खत्म। आपने फाइनल की टिकट ली हुई थी जो जाया तो नहीं होगी? नहीं, मैंने अभी भी, मेरा बेटा देखना चाहता है ऑस्ट्रेलियन मैच को और ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड मैच को, तो मेरे ख्याल में देखें संडे को क्या प्लान बनता है, लेकिन जाहिर है अगर हमारी टीम जीत रही होती तो जज्बा और होता। थैंक यू।